आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश के बाद प्रदेश भर में चलाए जा रहे मिशन माफिया का असर रीवा में देखने को मिल रहा है। रीवा में पुलिस ने माफियाओं और तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन नस्तनाबूद चला रखा है, जिसमें लगातार तस्करों के अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ढहाने का काम किया जा रहा है। रीवा में एक दिन पूर्व ही शहर के महिया का डॉन कहे जाने वाले शातिर अपराधी इरशाद अली के अवैध अतिक्रमण को ढहाने के बाद आज रीवा के गुड़ में पुलिस ने गांजा तस्कर के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया है। दरअसल यह कार्रवाई एसपी राकेश सिंह के निर्देश पर आज गुड़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर ने प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर की है। बताया गया कि गुड़ स्थित सीतापुर मऊगंज मार्ग में गांजा तस्कर मुकेश जायसवाल ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर पक्का मकान बना रखा था। बता दें कि सरकारी जमीन पर तस्कर ने अपनी अवैध कमाई से मकान को तैयार कराया था, जिसे पुलिस और प्रशासन ने मिलकर बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया है। दरअसल रीवा पुलिस इन दिनों माफियाओं और तस्करों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। पुलिस ने जिले के नामचीन तस्करों की एक लिस्ट तैयार की है, जिन्होंने अवैध निर्माण के साथ सरकारी जमीनों पर कब्जा जमा कर रखा है। फिलहाल पुलिस की लिस्ट लंबी बताई जा रही है, जिसमें दर्जन भर से अधिक तस्करों के नाम शामिल है, जिनके अवैध निर्माणों को ढहाना भी बाकी है।